पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी एक बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया के साथ भारत भी इससे अछूता नहीं है। कितना अच्छा हो जिस प्लेट में हम खाएं उस टेबलवेयर को बाद में मवेशियों के चारे, मछली के चारे या पोल्ट्री फीड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इतना ही नहीं, आप उस टेबलवेयर को आंशिक रूप से खा भी पाएं, है ना, एक नया और इको फ्रेंडली आइडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो एग्री वेस्ट यूज कर सिंगल प्लास्टिक कटलरी को रिप्लेस करने जा रहा है। वीर नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर थूशन ब्रांड नाम के एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। देश विदेश में घूमने के बाद स्टार्टअप के फाउंडर श्री विनय कुमार जी ने इस सोच और ब्रांड का नाम थूशन रखा है, जो पारंपरिक नाम थूशनीला से लिया गया है, जिसमें याद आती है डिस्पोजेबल केले के पत्तों पर खाने की दक्षिण भारत की पुरानी परंपरा। ये वीर नेचुरल्स का फंडामेंटल ये क्या है कि हम लोग ये पूरा ये प्लास्टिक के विरोधी प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठा करना है और ये फार्मर्स को, एग्रीकल्चर फार्मर्स को बहुत ज्यादा पैसा या ये प्रोडक्ट से हमने खरीदते हैं, इसका वेस्ट हमने खरीदते हैं, उस वेस्ट से हम लोग कई प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्लास्टिक के बिना यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने NIST CSIR, एक भारत का बहुत बड़ा रिसर्च लेबोरेटरी है, वो त्रिवेंद्रम में है, मैं उस डायरेक्टर से बात किया है और हम दोनों एक इकट्ठा करके ये प्रोडक्ट डेवलप करने में शुरू हो गया। तो एक 6 महीने के बाद करेक्ट मैन्युफैक्चर को हमने दिखाया है और उसके बाद उसके साथ 6 महीने के बाद हमने मशीन आत्मनिर्भर भारत का एक स्क्रू भी बाहर से नहीं है, पूरा इंडिया में है। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है इस एरिया में और मैंने दिखा है ये वर्ल्ड का दूसरा प्रोजेक्ट है ऐसे करने, यही है हमारा शुरुआत। इन प्लेट्स को माइक्रोवेव किया जा सकता है और ये -10 से 140 डिग्री तक के तापमान का सामना कर सकती हैं। NIIST के अलावा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IIT कानपुर जैसे संस्थानों ने इस स्टार्टअप के अभी तक के सफर में काफी सहायता दी है। श्री विनय कुमार का कहना है कि वो जल्द ही इन उत्पादों का उत्पादन देश के हर जिले में शुरू करना चाहते हैं ताकि इन उत्पादों तक सबकी पहुँच बन सके। यूनाइटेड नेशंस और केरला स्टार्टअप मिशन ने हमको एक छोटा सा ग्रांट दिया है, ये मुन्नार है ना, केरला में मुन्नार एक हिल स्टेशन है, उसमें हमने प्लास्टिक को बंद करने के लिए हमारा प्रोडक्ट चुन लिया है। अभी हम लोग ये केरला गवर्नमेंट और UNDP के साथ हम काम कर सकते हैं अभी, और इस साल के 31 दिसंबर को हमने ये काम पूरी होने वाला है। और ये इंडीग्राम लैब और अदर ये हमारा काफ़ी सहायता किया है, हमको मेंटर किया है, काफ़ी नया नया प्रोग्राम दिया है, कुछ हैंड होल्ड किया है और इसका तो पूरा सपोर्ट मिल चुका है हम लोगों को। ऐसे ऐसे दे 10 कंपनी को इंडीग्राम ने चुना है, हमने 10 में एक कंपनी हमारा है, तो सबसे ज़्यादा गर्व है उसमें। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश है अच्छी कोशिशों को आप तक पहुंचाने की। यदि आपको लगता है कि हमारी कोशिश सही दिशा में हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है। और हाँ, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।